आप सबके मन में बस एक ही सवाल होगा, 3 मई के बाद क्या होगा, लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर खुल जाएगा। आप सबकी अलग अलग राय होगी, लेकिन सरकार का फैसला तो फैक्ट पर होगा, जो देश के लिए जरूरी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसा ही करेंगे। अब तक उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। 3 मई को लॉकडाउन का मियाद पूरी होने वाली है, लेकिन जिस तरह से देश में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लॉकडाउन पर सस्पेंस भी बढ़ रहा है। क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन जारी रहेगा या फिर खत्म हो जाएगा या फिर तय शर्तों के साथ लगेगा, तमाम तरह का मंथन केंद्र सरकार कर रही है। सूत्रों के अनुसार विभिन्न एजेंसियों का मानना है कि जब तक संक्रमितों की संख्या में कमी आना शुरू नहीं होगी, उससे पहले लॉकडाउन खत्म करने से ज्यादा खतरा है। 27 अप्रैल को पीएम मोदी की राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई, जिसमें इस बात का इशारा मिला कि कुछ छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाना तय है। 10 से ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके समर्थन में दिखे। ऐसे में राज्य और केंद्र इसे कुछ और अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं। केंद्र के तहत काम कर रहे 11 विशेष समूह में भी स्थितियों की लगातार समीक्षा हो रही है। सूत्रों के अनुसार 3 मई के बाद विभिन्न राज्यों में अलग अलग छूट का दायरा बढ़ाया जाएगा और कोरोना मुक्त क्षेत्रों में गतिविधियों को सीमाओं के भीतर सामान्य करने की कोशिश की जाएगी। कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन से भी मुक्त किया जा सकता है, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में मुक्त आवाजाही की संभावना नहीं है। इस बीच शनिवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशक और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कुछ अधिकारियों के साथ मौजूदा हालात की समीक्षा की है। केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर हो रही लगातार समीक्षा में लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने पर विचार हो रहा है। अब तक किसी राज्य ने भी लॉकडाउन समाप्त करने की बात नहीं की, बल्कि कुछ राज्यों ने तो 3 मई के बाद भी कुछ और समय के लिए प्रतिबंध जारी रखने के निर्देश दिए हैं। यानी 3 मई के बाद लॉकडाउन तो नहीं हटेगा, लेकिन आपको अपने गाँव, कस्बे और शहर के अंदर बिना किसी रोक टोक अनुमति मिल सकती है, लेकिन ये भी हॉटस्पॉट एरिया के लिए लागू नहीं होगा और ना ही आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा पाएंगे। और पीएम मोदी 1 या 2 मई को देश का संबोधन करने के लिए जा रहे हैं, तब तस्वीर ज्यादा साफ हो जाएगी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।